हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज बहुत ही ज़्यादा जिसे बोलते हैं डिमांड वाला वीडियो मैं लेके आई हूँ। मुझसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि जब मैंने आप लोगों के साथ कैरेटिन का एक ब्लॉग शेयर किया था कि आफ्टर कैरेटिन हमें अपने बालों की देख रेख कैसे लेनी चाहिए, क्योंकि हम अपने बालों पर केमिकल लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बाल तो डैमेज होंगे ही होंगे, और कहें प्रोटीन ट्रीटमेंट ले रहे हैं बाल डैमेज नहीं होंगे। लेकिन मतलब मैं 23 जैसे मेरे जो वहाँ पे थे मेरे हेयर स्टाइलर थे, उन्होंने बोला था 23 वॉश के बाद जो है ये इस बालों का जो इफ़ेक्ट है वो जाने लगता है, तो कहीं ना कहीं बालों में एक ड्राइनेस आने लगती है। तो मैं उसे दूसरी लैंग्वेज में जो है वो ड्राइनेस ही बोलूँगी या डैमेज ही बोलूँगी। तो ये 23 वॉश आप एक साल में ले सकते हैं, आप 4 महीने में, यानी ये आपके बालों के धोने के ऊपर है कि आप 23 वॉश अपने कितने दिनों में पूरी करते हैं। सेकंड चीज़ कि आप प्रोटीन ट्रीटमेंट ले रहे हो, नो डाउट कि आपके बाल काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बाल काफ़ी अच्छे हुए हैं और जो भी फ्रिजीनेस थी वो ऐसे, अब मतलब जितना भी मैं बालों को धोऊँ ये बाल ऐसे ही रहेंगे। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि सच में बहुत ही अच्छे बाल हो जाते हैं, छूने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। जिनको भी फ्रिजी हेयर है या कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप एक बार कैरेटिन लो। मैं स्मूदिंग कराने गई थी लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि स्मूदिंग मत कराओ, बालों पूरी तरह से डैमेज हो जाएंगे। तो स्मूदनिंग और रिबॉन्डिंग इन सब से थोड़े दिन तो हेयर अच्छे लगते हैं लेकिन उसके बाद हेयर जो है वो पूरी तरह से बेकार होने लगते हैं। तो कोशिश करके आप कैरेटिन करवाओ, हेयर काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। सेकंड चीज़ कि कैरेटिन करवाने के 3 दिन बाद आपको बालों को वॉश कराने जाना होता है, क्योंकि जो जो भी केमिकल होता है वो 3 दिन तक आपके बालों पर लगा रहता है, जिसकी वजह से 3 दिन बाद आपको बालों को वॉश वहीं पर करते हैं। और चौथी बात यह है कि इसको यानी कि कैरेटिन के बालों जो जब हम कैरेटिन करा लेते हैं तो उसके बाद आपको नॉर्मल शैम्पू नहीं यूज़ करना है। प्रोफेशनली कुछ शैम्पू आते हैं जो मैंने लिया है, कैरेटिन वाले शैम्पू आते हैं, यानी लो सल्फेट या फिर नो सल्फेट, मैंने लो सल्फेट लिया है। उन्होंने बोला था लो सल्फेट या फिर जिसमें बिल्कुल भी सल्फेट ना हो, तो मैंने ये वाले मंगवाए हैं। इसी का मैंने वो भी पूरा कॉम्बो पैक मंगवाया है, तो आपको ये देखना है। साथ ही साथ आपको ऑयल नहीं लगाना है 1 महीने तक, साथ ही साथ आपको कोई भी हेयर पैक नहीं अप्लाई करना है। तो इसको कराने के बाद ये सारी बहुत सारी अच्छाई हैं कि आपको पैक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही साथ आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक चीज़ और कि जिनको भी अपने बालों में कलर करना हो, जैसे कि कुछ लोगों के वाइट हेयर होते हैं तो वो फुल बालों पे अपने कलर नहीं करेंगे, यानी कि सिर्फ आपको रूट पे ही कलर करना है, फुल बालों पे नहीं करना है। वो आप चाहे पार्लर से जाके करा लीजिए, चाहे अपने आप कर लीजिए, सेक्शन टू सेक्शन बालों को डिवाइड करिए, देन कलर या मेहंदी लगाना स्टार्ट करिए। फुल बालों पे आपको कलर नहीं अप्लाई करना है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आफ्टर कैरेटिन आपको अपने बालों को ध्यान रखना है, वरना जो भी आपने 7-8 हज़ार या जो भी पैसे लगाए हैं वो कुछ ही दिनों में चले जाएंगे। अगर लॉन्ग लास्टिंग आप इस ट्रीटमेंट को रखना चाहते हैं अपने बालों पर तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। वैसे तो ये स्टाइलर आपको इन सारी चीज़ों को बताएंगे लेकिन इन केस नहीं बताते हैं, तो इस वीडियो को बनाना मैंने इसलिए भी इम्पोर्टेंट समझा, साथ ही साथ एक रिव्यू देना कि कैरेटिन या स्मूदिंग में से आप क्या कराओ। तो मैं यही बताना चाहूँगी, कैरेटिन करवाओ, स्मूदिंग या फिर रिबॉन्डिंग इट्स नॉट गुड फॉर योर हेयर, हेयर पूरी तरह से डैमेज कर देगा, फ्रिजी कर देगा और पूरा लाइफ टाइम आपके बेकार रहेंगे बाल, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।